साल बाद बिहार विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरे लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे, लेकिन तबीयत खराब होने के असर उनके भाषण में दिखा। तारापुर के गाजीपुर ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया, वहीं दूसरी तरफ नीतीश पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मंच से उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में समय में बीजेपी के जो वादे किए थे उसे आज तक पूरा नहीं किया। 2014 के बाद से ही सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म तक का किराया बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तब कहते थे कि मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं आऊंगा, और बीजेपी की गोद में बैठे हैं लालू यादव। यही नहीं रुके, उन्होंने CM को उस गोली मारने वाले बयान पर कहा कि हम क्या किसे गोली मरवाएंगे, नीतीश खुद ही मर जाएंगे। बिहार उपचुनाव को लेकर महागठबंधन बिखर गया है, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसमें दोनों दिग्गजों ने कहा कि सोनिया गांधी और लालू यादव के बीच बातचीत हुई है। लालू और तेजस्वी के बयान पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि दोनों नेता झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया और लालू की बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भक्त चरण दास जो बिहार के प्रभारी उनसे उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से किसी की कोई बातचीत नहीं और इस राजद की हताश का परिणाम है, राजद के दोनों नेता झूठ बोल रहे हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगार अगर मांगों को लेकर विरोध करते हैं तो सरकार जेलों में बंद करवा देती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद पटना में बेरोजगारी के मुद्दे पर रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्य भर के लोग शामिल होंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक राज्य में छोटे बड़े 500 व्यवसायियों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर सरकार इसे लेकर कोई सबूत मांगता है तो देने को तैयार है। पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी करार दिया। इस मामले में NIA के वकील ललन कुमार ने कहा कि एक अभियुक्त फखरुद्दीन को रिहा कर दिया गया है जबकि 9 लोगों को दोषी करार दिया है। अब 1 नवम्बर से सजा के बिंदु पर बहस होगी और हमारी ये कोशिश होगी कि हम सभी 9 अभियुक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची वासियों के लिए 2 बड़ी सौगात दी है। राजभवन के पास नागा बाबा खटाल स्थित अत्याधुनिक तरीके से बना हुआ वेजिटेबल मार्केट और हरमू स्थित सरदार पटेल पार्क का उद्घाटन CM हेमंत सोरेन ने किया है। रांची नगर निगम के जरिए नागा बाबा खटाल के पास आधुनिक तरीके से बना हुआ वेजिटेबल मार्केट 10 करोड़ 86 करोड़ रुपये की लागत से बना है जिसमें 200 सब्जी और फल विक्रेताओं को दुकान दी जाएगी। इस 3 फ्लोर वेजिटेबल मार्केट में पहले फ्लोर पर फूड प्लाजा, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर सब्जी फल विक्रेताओं को और अंडरग्राउंड पार्किंग सुविधा भी मौजूद है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरमू स्थित सरदार पटेल पार्क का भी उद्घाटन किया। झारखंड सहायक पुलिस अपनी स्थायी सेवा और वेतमान लागू करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से मोराबादी मैदान में जमे हुए हैं और आंदोलन कर सहायक पुलिसकर्मी खुद से थाना बना और पंडाल बनाकर खुले आसमान में रहने की कोशिश है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से अभी तक इन लोगों की सूद नहीं ली गई है जिससे सहायक पुलिसकर्मी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से एक बार भी धरना प्रदर्शन की जगह न आकर सरकार की पोल खोलती है और न ही सहायक पुलिसकर्मियों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है। वहीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा कई बार सहायक पुलिसकर्मियों के धरना स्थल पहुंचकर हौसला देती है लेकिन सत्ता में बैठे लोग विगत 1 महीने से खामोश हैं जिससे सहायक पुलिसकर्मी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आर्यन खान की जमानत पर आज फिर से सुनवाई। NCB का गवाह किरण गोसाई गिरफ्तार। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी। आर्यन खान को बुधवार को भी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। वो 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में बंद है। इस बीच ड्रग्स केस में NCB के गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस ने क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में NCB के स्वतंत्र गवाह किरण गोसाई को हिरासत में लिया गया है। T20 विश्व कप में बीते रविवार को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त हो गई है। इस प्रकरण में 7 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान के रविवार को भारत पर जीत के बाद इंटरनेट मीडिया पर भारत के खिलाफ कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इस पर एक्शन लेने का निर्देश दिया है।
वीडियो की जांच के बाद 7 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना, बरौनी और दरभंगा के दिल्ली, पुणे और मुंबई के मध्य 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसमें गाड़ी संख्या 033 77 78 पटना आनंद विहार टर्मिनल, पटना पुणे बरौनी लोकमान्य तिलक टर्मिनल, बरौनी दरभंगा दिल्ली सहित कुल 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेन शामिल रहेंगी।